सबसे बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है, इंडिया गठबंधन को लेकर आ रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत टूट गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी को बताया गया कि उनकी बात नहीं मानी जा सकती, मतलब जो समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों वाला ऑफर दिया था कांग्रेस को, वो 17 सीट वाला ऑफर कांग्रेस को कबूल नहीं। कांग्रेस ने 20 सीटों की लिस्ट समाजवादी पार्टी को दी है। इसके बाद बातचीत बताया जा रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में टूट गई है। तो अब ऐसे में सवाल जिसको लेकर चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वर्सेस सपा, तो क्या ये बिखराव की पटकथा, मतलब ये तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में लग रहा था कि शायद यहां पर कुछ इंडिया गठबंधन जिसको बनाने को लेकर चले थे उसकी लाज रह जाएगी, वो भी खत्म। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं रोमानी जी। हालांकि वैसे राजनीति में कोई भी अंतिम वाक्य और अंतिम वो नहीं होता कि अंतिम घटना हो गई या कुछ भी नहीं होगा, उसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है सीटों के हिसाब से, 80 सीटों का, और वहाँ पर कांग्रेस सबसे कमजोर स्थिति में है। तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस कम से कम समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर अपना कुछ स्थिति करेगी, लेकिन जैसे आपने कहा वो बिल्कुल ठीक था कि वो पहले दिन से 20 सीटों पर बात कर रहे थे, और अखिलेश जी ने पहले 11 सीटों की बात की, फिर 14 की और अब 17 पर वो आ गए हैं। और जिसमें मुरादाबाद, जिसका आपने भी जिक्र किया कि जहाँ सिटिंग MP हो वहाँ कांग्रेस यदि मांग कर रही है, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन जो स्थानीय नेता होते हैं, जैसे अभी प्रभारी नए नए बने पांडे साहब हैं और अजय राय, तो हमेशा से ही ये लगातार कोशिश करते रहे कि समाजवादी पार्टी के साथ कोई बहुत बड़ा उनका वो नहीं बने, तो वो बिखराव हो रहा है। और अब ये पटकथा कहाँ पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि 2019 रोकना पड़ेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।